किसान भाइयों, हमारे देश में बागवानी का महत्व हमेशा से ही रहा है। हमारे किसान भाई बहन परंपरागत तरीके से तो बागवानी करते ही आ रहे हैं, लेकिन बदलते परिदृश्य के साथ हमारे वैज्ञानिकों ने बागवानी में नई नई तकनीकें ईजाद की, जिससे हमारे किसान भाई बहनों को बागवानी में नए नए अवसर मिले और अधिक से अधिक उत्पादन भी मिला। तो आइए इस बारे में और अधिक विस्तार से जानने के लिए देखते हैं कार्यक्रम का ये भाग। वृक्ष कबूम ना फल फके, नदी ना सांचे नीर, धरती के सीने पर मिट्टी को जकड़े फलों से लदे फलदायी वृक्षों की परोपकारी दुनिया है। परंपरागत खेती का विकल्प बनकर उभरता बागवानी देश में कुल फसल उत्पादक क्षेत्र के 6 से 7% क्षेत्रफल में समाई हुई है, मगर 30% तक कुल प्रति उत्पादन का कृषि हिस्सा है, तो वहीं संपूर्ण निर्यात का लगभग 55% भाग लिए हुए है। आप अगर देखें कि अगर कुल जो हमारा क्षेत्रफल है कृषि योग्य, उसमें तकरीबन 8% भूमि पर ही हम बागवानी की फसलों को उगाते हैं, और इन बागवानी की फसलों के द्वारा जो कुल उत्पादन दिया जाता है और भारतीय कृषि में जो इसका योगदान है, या कहें कि जीडीपी में इसका योगदान है, 25 से 30% के आसपास आता है। तो आप निश्चित तौर पर समझ सकते हैं कि जो हमारी भारतीय बागवानी है, या जो आपकी बागवानी की फसलें हैं, फल फूल सब्जियाँ, इनका कितना एक महत्व है। ऐसा देखा गया है कि तकरीबन 5-1 साल में हमारी भारतीय बागवानी में जो वृद्धि हुई है, उसकी जो है वृद्धि दर औसतन 25 से 30% रही है। ये बहुत अपने आप में एक लैंडमार्क है, एक बहुत बड़ा पड़ाव है। देश की आज़ादी के बाद बागवानी अपने निखार काल में आई और बड़े क्षेत्र में छा गई, जन जन को भा गई। बदलते बाग सुधरती बागवानी, परिणामतः भरपूर उत्पादन, देश में लाल क्रांति का दौर। ये यूं ही नहीं आ गया, इसके पीछे उन बागवान द्वारा उन्नत तकनीक का अपनाया जाना। समय काफी बदल गया है, हमारे पास जल और जमीन काफी सीमित है, संसाधन सीमित है, और आप इन सीमित संसाधनों पे ही आपको अधिक से अधिक उत्पादन हासिल करना है, और उसमें एक जरिया है सघन बागवानी। सघन बागवानी के जरिए आप फर्ज करें कि आप आम का एक बगीचा लगाना चाहते हैं, और आम के बगीचे ज़्यादातर आपके 10 मीटर या 12 मीटर की दूरी पे जो है पौधे लगा के लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सघन बागवानी के द्वारा ऐसा कुछ प्रमाणित किया गया है कि 1 हेक्टेयर में तकरीबन आप 1600 वृक्ष रख सकते हैं, और इन वृक्षों से आपको जो अमूमन दूसरे तरीके से जो उपज मिलती है, उससे आपको 20 से 30 गुना अधिक उपज इसमें हासिल कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके जो ग्वावा, इसे कहते हैं अमरूद, में भी आपको जो मीडो पद्धति के द्वारा सघन बागवानी, और इसमें काफ़ी प्रगति भी हासिल की गई है, काफ़ी सफलताएँ हासिल की गई हैं। इसी तरीके से आपका जो आपके नींबू वर्गीय फल हैं, खासकर आपका जो किन्नो है या मौसमी है या संतरा है, इसमें भी 1 एकड़ में तकरीबन 2500 से लेके 3000 तक वृक्ष आप 1 एकड़ में एकोमोडेट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, और अपना जो मुनाफा है आप उसको बढ़ा सकते हैं। दो राय नहीं कि फलों के बाग लंबे समय तक चलने वाली धरोहर है, मगर पुराने पड़े जर्जर होते वृक्षों को संजोए बागों का जीर्णोद्धार यानी उनकी पुनर्स्थापना भी जरूरी है। अगर आप अपरूट नहीं करना चाहते हैं अपने वृक्षों को, या बागान को एक साथ नहीं निकालना चाहते हैं, उसको उजाड़ना नहीं चाहते हैं, तो उसमें आप जीर्णोद्धार कर सकते हैं, और जीर्णोद्धार खासकर आपके आम के बागवानों में काफ़ी सफल रहा है। इसके अलावा जो हमारी आम में खासकर जो प्रति साल फलने वाली प्रजातियां हैं, जिसे कहते हैं रेगुलर बियरिंग वैरायटी, जिसे खासकर मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा,
आम्रपाली है, मल्लिका है, आपका पूसा सूर्या है, पूसा अरुणिमा है, इन सभी प्रजातियों को आप बागानों में लगाएं जिससे कि आपको निरंतर सतत प्रतिसाल उपज मिलती रहे। बागवानी में आधुनिकीकरण, औद्योगिक फसल सुधार के लिए जैव तकनीकों ने विशेष भूमिका निभाई। सच तो ये है कि अब सूक्ष्म प्रबंधन तकनीकी गुणवत्ता फल फूल उत्पादन के लिए वरदान सिद्ध हो चुकी है। इस संदर्भ में टिश्यू कल्चर यानी उत्तक संवर्धन तकनीक भरपूर और गुणवत्तापूर्ण बागवानी उत्पादन का आधार बनकर उभरी है। अगर आपका पौधा ही स्वस्थ नहीं होगा तो आपकी संतानें कैसे स्वस्थ होंगी, आपका उत्पादन कैसे स्वस्थ मिलेगा। इसलिए खासकर अगर हम टिश्यू कल्चर या ऊतक संवर्धित पौधों की बात करें तो इसमें आपका एक फल आता है केला, दूसरा स्ट्रॉबेरी और चेरी। ये तीन एक फसलें हैं जहाँ पे कि टिश्यू कल्चर द्वारा उत्पादित पौधों में कम से कम व्याधियाँ और बीमारियाँ आती हैं। और ये भी देखा गया कि दैहिक जो आपदाएँ हैं या जैसे डिसऑर्डर, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, उनकी भी कमी पाई जाती है अगर आप ऊतक संवर्धित पौधों को लगाते हैं। और इसके बागान बहुत जल्दी फलत देते हैं, एक सार फलत आती है, आपके फलों का आकार एक जैसा होता है। तो निश्चित तौर पर केले की खेती हो या स्ट्रॉबेरी की खेती हो या चेरी की खेती हो, यहाँ पे हमारे किसान भाई ये टिश्यू कल्चर या ऊतक संबंधित पौधों का प्रयोग करें। हजारों हजार पत्तियों का बोझ लादे फलों से झूलती शाखाएं माने बाहें पसारे बाग में आने वाले हर व्यक्ति का स्वागत करती हैं। वहीं पके फल देखकर उनसे स्वाद की प्यास भी बुझाते हैं, तो भला बागवान क्यों पीछे रहे। मिठास के इस रस में उसका भी साथ है। फल वृक्षों की भूख मिटाने के लिए पोषक तत्वों का पुलिंदा है, तो वहीं प्यास बुझाने के लिए बूंद बूंद सिंचाई जैसी प्रभावी सिंचाई पद्धति भी तो है। एक पद्धति जो हमारे जो इस समय विकसित की गई है उसकी टपक सिंचाई, हालांकि इसका काफ़ी विस्तार हुआ है, लेकिन हमारी जो बागवानी की फसलें हैं इसकी तरफ टपक सिंचाई या जो हमसे कहते हैं ड्रिप इरिगेशन, इसकी विकास की प्रबल संभावनाएं हैं, क्योंकि बागान वाली फसलों में इसके प्रतिफल बहुत अच्छे मिलते हैं। और ये देखा गया है कि तकरीबन 40-50% पानी की बचत होती है, दूसरे आप जिसमें कि आप भराव विधि से पानी देते हैं उसकी तुलना में। इसलिए किसान भाइयों से ये मैं अनुरोध करूंगा कि आप ड्रिप इरिगेशन या टपक सिंचाई को आप बागान वाली फसलों में अपनाएं। इससे आपके संसाधन भी बचेंगे, श्रम भी बचेगा, और जो आपके खरपतवार आते हैं उनके नियंत्रण में भी आपको काफ़ी सहूलियत मिलेगी। फूलों में मधुमक्खियों को मंडराते तो देखा ही होगा, पर कभी सोचा नहीं कि ये हमारे बागों के उत्पादन बढ़ाने में कितने सहायक होते हैं। शोधों से पता चलता है कि मधुमक्खी की कॉलोनी से न केवल शहद प्राप्त होता है बल्कि ये हमारे बागों के उत्पादन क्षमता में भी कई गुणा वृद्धि करते हैं। हमारे जो परम परागित बागान जैसे कि आपका सेब हो गया या आपके आम हो गया या लीची, इनमें पर परागण के द्वारा निषेचन होता है। और ये देखा गया है कि जब तापक्रम में काफ़ी उतार चढ़ाव आता है, कहने का मतलब अगर तापक्रम काफ़ी गिर जाता है तो उस समय हमारे बागानों में परम जो परागण की प्रक्रिया है वो काफ़ी बाधित हो जाती है। ऐसे में जो आपका निषेचन होना चाहिए फलों का, उससे जो फल बनते हैं और फलों का विकास होता है और पूर्ण रूप में एक आपका जो फल बनते हैं उस पर काफ़ी विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये देखा गया है कि सेब या लीची के बागानों में उचित परागण न होने से कभी कभी 20-25% आपके उत्पादन में गिरावट देखी गई है। इसलिए ये समीचीन है या ये अपरिहार्य है या ज़रूरी है कि आप इन बागानों में मधुमक्खी पालन करें। और मधुमक्खी पालन करने से ही देखा गया है कि इनमें बहुत ही अच्छी उपज आती है और जो गिरावट दर्ज हो रही है परागण की कमी की वजह से उसमें काफ़ी सुधार होता है। यहाँ आपको एक और भी लाभ होगा कि आप जब मधुमक्खी पालन करेंगे तो आपके बागानों की उपज बढ़ेगी, इसके साथ साथ आपको जो साथ में शहद की उपज मिलेगी उससे आपकी आमदनी में काफ़ी इजाफा होगा। कहने का मतलब आम के आम गुठलियों को दाम। मेहनत करने से किसान कभी भी पीछे नहीं हटे, खेतों पर मौसम की मार के सामने हमेशा बेबस नजर आए।
किसानों की बेबसी को वैज्ञानिकों ने गंभीरता से लिया और उन्हें दी मौसम के प्रभाव को कम करने के साथ गुणवत्ता युक्त पैदावार की तकनीक, जिसे ग्रीन हाउस तकनीक या संरक्षित खेती के नाम से जानते हैं। इन बताई हुई तकनीकों के अलावा एक जो अहम तकनीक है वो आपकी ग्रीन हाउस या नेट हाउस टेक्नोलॉजी, जिसे कहते हैं। इसके द्वारा संरक्षित कृषि को आप कर सकते हैं। आप नेट हाउस या ग्रीन हाउस को अपना के जो आपकी मौसम की बेरुखी होती है या मौसम के द्वारा जो जोखिम होता है उसको कम कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन हाउस पद्धति द्वारा या नेट हाउस पद्धति द्वारा आप कीड़े मकोड़े या बीमारियों से बच सकते हैं। इससे आपको कम से कम कीटनाशक या फफूंदी नाशकों का प्रयोग करना पड़ेगा। इससे आपकी जेब पे बोझ भी कम जाएगा और इसके अलावा जिससे उसका उत्पाद मिलेगा उसकी गुणवत्ता बहुत अधिक अच्छी होगी और इसमें जो कीटनाशक हैं या फफूंदी नाशक हैं उनका जो है दुष्प्रभाव भी कम होगा। इससे हमारे उपभोक्ताओं को भी स्वच्छ उत्पादन जो फल सब्जी है मिल पाएगी। इसलिए ये एक बहुत ही कारगर पद्धति है और इसका जो है प्रसार प्रचार हमारे जो परिनगरी क्षेत्र हैं, जिसे कहते हैं पेरी अर्बन एरियाज, उसमें बहुत ज़्यादा हुआ है। लेकिन इस पद्धति को दूर दराज के इलाकों में भी ले जाने की ज़रूरत है, खासकर जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे आपका मौसम काफ़ी सर्द होता है। उन इलाकों में ग्रीन हाउस या नेट हाउस टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारे जो ये बागवानी के इदारे में है या बागवानी का जो क्षेत्र है काफ़ी एक क्रांति लाई जा सकती है, इसकी प्रबल संभावनाएँ हैं। औद्योगिक फसलों में तुड़ाई के बाद की हानि 25-30% आंकी गई है। ये बागवानों के मेहनत पर सीधी चोट है, जिसके लिए सही उपचार, आकर्षक और वैज्ञानिक आयाम लिए पैकेजिंग, तो वहीं ढुलाई के लिए समय पर सही यातायात, लंबे समय तक सुरक्षा के लिए वैज्ञानिक भंडारण आदि विशेष महत्व रखते हैं। सही बागवानी अपनाएं, गुणवत्ता युक्त भरपूर उत्पादन पाएं और लागत से कई गुना अधिक उत्पादन कमाकर बाग बाग हो जाएं।